कंट्रोल करके कम कम करके लेके आया हूँ, तो लग रहा है इससे ही मेरा पेट भर जाएगा। गलती कर दी भाई मैंने, तुम लोग ये गलती मत करना। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आए हैं अनलिमिटेड बुफेट एंजॉय करने के लिए इस्कॉन टेंपल। अनलिमिटेड मील एंजॉय करने के लिए हमें जाना है गोविंदास रेस्टोरेंट। एम्बियंस की अगर बात करें तो काफी सिंपल एंड सूदिंग है, एंड इस्कॉन टेंपल है तो यहाँ ऑनियन गार्लिक नहीं रहेगा। पेमेंट यहाँ आपको पहले करना रहेगा, 750 रुपीज पर पर्सन का बुफेट है। तो बस प्लेट लेके और चलते हैं अंदर। अंदर का एम्बियंस भी सुंदर है एंड लाइटिंग्स बहुत सही है, एंड ये रेस्टोरेंट भी काफी बड़ा है। अंदर एंटर करते ही चार टाइप के ड्रिंक्स मिलते हैं जो कि जूस एंड मिल्क शेक्स हैं। एंड सच बोलूं तो जूस में थोड़ा पानी ज़्यादा है। ड्रिंक्स के अलावा यहाँ पे सब कुछ सेल्फ सर्विस है, तो चलते हैं देख लेते हैं स्टार्टर्स में क्या क्या है। ड्रिंक्स भी यहाँ पे अनलिमिटेड हैं, बट यहाँ हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो चलते हैं फटाफट स्टार्टर्स पे। सबसे पहले यहाँ पे है तीन टाइप के सैलेड, उसके बाद में है ढोकला, बट ये खमंड लग रहा है। फिर है राजमा पनीर रोल, बहुत सही लग रहा है यार ये, और पकोड़े, और ये क्रिस्पी वेज, और पनीर टिक्का, स्वीट कॉर्न, और ये भी कोई टिक्की वगैरह बना रहे हैं। उसके बाद में ये आलू टिक्की वगैरह चल रही है, तो फटाफट से ले लेते हैं ये सब चीज़ें और चलते हैं फटाफट से टेबल पे और टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। तो ये स्टार्टर्स की प्लेट में तैयार करके लाया हूँ। स्टार्टर्स इतने ज़्यादा है ना कि मतलब बहुत कंट्रोल करके कम कम करके लेके आया हूँ, जो लग रहा है इससे ही मेरा पेट भर जाएगा भाई, जबकि अभी तो मीठा बाकी है, उसके बाद में मेन कोर्स बाकी है। बहुत सही, तो अब देखते हैं मेन कोर्स में क्या क्या है। तो यहाँ है दाल पंचरत्न, दाल तड़का, प्लेन राइस, कढ़ी, खिचड़ी, और ये कश्मीरी पुलाव, और ये बिरयानी है, दही वड़ा है, वो पापड़ है, पूड़ी है, रोटी है, आलू मटर पराठा है, क्रीमी बन, और यहाँ सब्जियाँ देखो, एक दो तीन चार पाँच, भाई पांच टाइप की सब्जियां हैं यहाँ पे, तो जितना खा सकते हैं उतना लेके टेबल पे चलते हैं फटाफट। ये आ गई हमारी प्लेट। इतना सारा खाना है ना भाई, कहाँ से शुरू कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो अभी आधा ही मेनू है भाई, तो अभी और भी कितनी सब्जियां, कितनी चीजें तो बाकी, और मीठा की तो पूरा सेक्शन बाकी है भाई। एक सीक्रेट बताऊं, दिन में आना, धीरे धीरे खाना, थोड़ा थोड़ा लेना, वरना भाई स्टार्टर में ही खत्म हो जाओगे। अगर यहाँ आ रहे हो तो भाई स्टार्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना। जो मेन कोर्स है वो भी अगर आप ले रहे हो तो उसमें ऐसी चीज लेना जो रेगुलरली आपके यहाँ नहीं बनती, या कुछ जो अलग लगती है। यहाँ का मतलब सात्विक फूड है, एक्चुअली नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ मसाले भी हैं, और सिर्फ यहाँ पे प्याज लहसुन नहीं मिलेगा खाने में, तो थोड़ा सा टेस्ट आपको अलग लगेगा, लेकिन खाना एकदम बेस्ट। एक चीज़ का जरूर यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे आ रहे हो, अनलिमिटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि खाना बर्बाद करो, खाना जितना आपको खाना है उतना ही लें, फूड वेस्ट ना करें। तो मीठे में बस तीन चार आइटम ही हैं, गुलाब जामुन, खीर, चमचम, एंड ये स्वीट जेली। पेट भर गया भाई, ये खाना खत्म नहीं हो रहा है यार, अभी तो मिठाई बाकी है भाई साहब। भाई खाना वाना सब छोड़ देना भाई, मिठाई खाना में सही करो भाई, क्या गुलाब जामुन है यार। गलती कर दी भाई मैंने, तुम लोग ये गलती मत करना भाई, पेट में इतनी जगह बनाए रखना, अभी तो आइसक्रीम बाकी है भाई। मस्त हो भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चीकू साक्षी व्लॉग्स।